अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिविंग इट अप विद बीनेश। आज हम बना रहे हैं साबत मसूर की दाल या मसर की दाल। उसके लिए आपको चाहिए 1 कप, मैंने ले लिए थे साबत मसर और मैंने इनको रात को भिगो कर रख दिया था ओवरनाइट। दाल पकाने के लिए हम यूज करेंगे 1 टीस्पून नमक या हसबे जायका, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें क्रश्ड गार्लिक, 4 हम क्लोव्स लेंगे तड़के के लिए, देसी घी हम यूज करेंगे 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हम यूज करेंगे कोई सा भी कुकिंग ऑयल, आप पूरा देसी घी भी यूज कर सकते हैं 3 टेबलस्पून, दूध हम इसमें डालेंगे 3/4 कप, पानी हम यूज करेंगे दाल को उबालने के लिए। मसूर की दाल भिगोई थी, अच्छे से पानी से वॉश कर लें, इसी कुकिंग पॉट में ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, फ्लेम को आपने हाई कर लेना है। टोटल ऑफ 4 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है ताकि दाल अच्छे से उबल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और लाल मिर्चों का पाउडर, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे क्रश्ड गार्लिक। जैसे दाल के अंदर एक बॉईल आएगा आप चमचा चला लें ताकि मिर्चे और नमक जो है वो दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर लिड देकर इसको मीडियम या लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 1.5 घंटे दाल को पकाने के बाद मैंने चेक किया था, दाल गल चुकी है। अब हमने क्या करना है कि फ्लेम को कर लिया है हाई और हम इसका पानी जो बाकी का बच गया है उसको हम सुखा लेंगे। और साथ में आप क्या करें, थोड़ा सा इसको घोटा लगा लें। दाल में मैं ऐड करने लगी हूँ दूध। जब आपने दूध ऐड करना है तो आपने फ्लेम को हाई रखना है, मेक श्योर कि जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पे हो। दाल हमारी ऑलमोस्ट डन है, ये देखें इतनी थिक हो गई है, जैसे जैसे दूध पकता गया ये थिक होती गई। नमक चेक करें, अगर आपको परफेक्ट लगता है तो आप इसको डिश आउट कर लें। और अब हम आ जाते हैं अपने तड़का लगाने की तरफ। आपने फ्राइंग पैन ले लेना है, उसमें जो आपका देसी घी और ऑयल आपने मिक्स करके रखा था वो ऐड कर दें। जैसे ऑयल गर्म होगा हम ऐड कर देंगे गार्लिक, गार्लिक को आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो आप ना फ्लेम को ऑफ कर दें ताकि ये जले ना, अगर गार्लिक जल गया तो कड़वा कर देगा दाल को, तो मेक श्योर आप जलाएं ना और पर अच्छे से इसको पकाना भी है। तो ये रेडी हो गया है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और अब हम इसको डालेंगे दाल के ऊपर। दाल मैंने डिश आउट कर दी थी और अब मैं तड़के को ऐड करने लगी हूँ दाल के ऊपर। दाल हमारी रेडी हो गई है, मैं इसको सर्व कर रही हूँ उबले हुए वाइट चावलों के साथ। आई होप आपको ये इजी सी दाल की रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू लिविंग इट अप विद बीनेश। अंटिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अदर्स। अल्लाह हाफिज़।